प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद शहर में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस से बेखौफ हो चुके बदमाशों की बानगी बीती गुरुवार रात देखने को मिली, जहां एक 30 वर्षीय शख्स पर कुछ बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही पीड़ित शख्स है जिस पर जानलेवा हमला किया गया है। हमलावरों ने इस युवक पर गोली भी चलाई जो कि इसके पैर में जा लगी। जानकारी के मुताबिक हमले का ये पूरा मामला किसी पुरानी रंजिश का होना बताया जा रहा है। आज गांव टीम में कांटे के सामने योगेंद्र सनोफ रणवीर, जेडी सनोफ रणवीर, कालू सनोफ कप्तान, उसका छोटा भाई मैं नहीं जानता उसका क्या है, और करमचंद सनोफ जोगी, सुमेर सनोफ गोपी, सतपाल सनोफ देशराज, नरेंद्र सनोफ जगदीश, और ये जो जयवीर है इसके भाइयों के लड़कों ने सबने मिलके मुझे मारा है और गोलियां चलाई हैं। पीड़ित पक्ष की मां ने तो लगभग एक महीने पहले कुछ दबंग उनकी दुकान पर जबरन शराब पी रहे थे, जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने मार पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस बात की शिकायत पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई उचित कार्रवाई ना करते हुए पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया था। ये मामला 18/8/2020 को जो पिछला महीना है उसमें रात को हमें पता लगी कि कोई बंदे हमारी दुकान पर दारू पी रहे हैं, तो मेरा छोटा भाई है सुंदर उनके पास गया, और नहीं 18/8 को उसमें वो पिछले महीने की बात है जो भी है, वो मेरे भाई वहाँ पे पहुँचा, उनसे कहा भाई मेरे यहाँ से दारू क्यों पी रहे हो। उन लोगों ने जटी मेरे भाई से कहा अच्छे पियेंगे ऐसे ही पियेंगे, और उससे वहीं लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और उनकी छाती पे कट्टा रख दिया और उनके साथ मारपीट की। उस एविज में जैसे ही हमने शिकायत पुलिस में की और पुलिस जैसे ही आई, हम दोनों पार्टियां बुला रखी थी और SHO साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हुए, शायद SHO जो नरेंद्र है और एक हरिकिशन जी है ये उनके रिलेटिव में है, और जो ये जितने भी बदमाश है क्राइम लोग हैं, मर्डर करना, बलात्कार करना, लोगों के हाथ पांव तोड़ना इनका ये आम काम है। कंडीशन उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है और पैर में गोली लगी हुई है जी, और हवाई फायर हुई है 3-4 जिससे कोई बचा ना पाए। किन लोगों ने की है घटना, किस लोगों ने जान लिया है? ये है जयवीर सनोफ रणवीर, एक पप्पू है सनोफ रणवीर, और एक उसका गोपी का लड़का है सुमेर, और एक सत्तू है देशराज का, और एक उसका है जोगी का लड़का है। लगभग कितने लोग हैं इसमें? लोग कम से कम 12-13। क्या कोई पुरानी रंजिश है आपकी? हाँ, ये रंजिश एक महीना पहले हमारी दुकानों पर दारू पी रहे थे, हमारा किराएदार आया, ये दारू पी रहे हैं उधम कर रहे हैं, तो लड़का वहाँ ये गया अजय सिंह, तो इसने कहा भाई दारू क्यों पी रहे हो, तो वो इसे गुथ गए, ये रंजिश थी। और उसने ये क्लियर कह रखी थी कि अजय की गोली मारूंगा, खत्म करूंगा और विक्रम के हाथ पांव तोड़ूंगा। वही सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची बल्लभगढ़ SCP जयवीर राखी ने तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दी और मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन तक दे डाला। हाँ, ये अजय सनोफ विक्रम है, अभी हॉस्पिटल में जो एडमिट है अभी से ही पता चला, अभी ऐसे ऐसे 8-10 लोगों ने जो बाई नेम है, लेकिन उसके अलावा भी 10-15 आदमी बता रहा है, मैं इन्होंने इसको गोली मारी, जो पहली जो गोली पैर में लगना बता रहा है, और जो राड से हमला करा है जिसे हाथ में और दोनों हाथों में चोटें हैं इसकी। अभी पहुंचे हैं कस्बे के दौरान, जो देखा है क्या कुछ देखा है यहाँ अस्पताल में? बस अभी इन्होंने स्टेटमेंट अभी आईओ लेगा, थाना सदर का मामला है, इसलिए हमने अभी टीमें लगा दी, जो जो नाम इन्होंने भाई नेम बताए हमने अपनी क्राइम टीम उनको धरपकड़ के लिए लगा दिए। अब इस मामले में पुलिस की आगे क्या कार्रवाई रहती है ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान,
मोबाइल नंबर 9878678629।